बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किर्गिस्तान का वीज़ा मेरा एक्सपायर हुआ था 2018। एक्सपायर कहाँ से हुआ था, सॉरी, कोई भी गलती हो जाए याददाश्त या बताने में तो आई एम ऑलरेडी वेरी सॉरी। तो 2018 में मैंने अप्लाई किया था किर्गिस्तान का ई वीज़ा। कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि किर्गिस्तान कोई कंट्री है, ठीक है। मुझे भी खुद बुढ़ा होने के बाद पता चला कि किर्गिस्तान, पहले तो उसकी स्पेलिंग याद करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल स्पेलिंग है, किर्गिस्तान करके बनती है। अच्छा, इसके लिए ई वीज़ा चाहिए होता था, ठीक है, 2018 की बात कर रही हूँ। तो मैंने अप्लाई जब किया, बड़ी आसान वेबसाइट भाई, ई वीज़ा लगता है हमारा, वैसे नहीं हम कॉन्सुलेट जाके अप्लाई नहीं करते, तो मतलब मैं तो नहीं किया। तो ई वीज़ा की वेबसाइट बड़ी खूबसूरत, भाई भाई हरियाली नज़र आ रही है, वो भाई हम तो किर्गिस्तान जाएंगे, ये वो ना। तो मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई कर दिया उस पर। उसकी फ़ीस तकरीबन उस हिसाब से, डॉलर का रेट जब ऊपर जाना शुरू हो चुका था ये इनकी हुकूमत आने के बाद, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 7,000 अराउंड कुछ कार्ड की वो फ़ीस मिला के बना था मेरे ख्याल से। वो ऑनलाइन कार्ड से चार्ज करा मैंने, डेबिट कार्ड से, ठीक है। और मैंने नहीं वेबसाइटें चार्ज किया, बहुत आसान वेबसाइट, सिर्फ आपका मेरे ख्याल से पासपोर्ट स्कैन मांगता शायद, तस्वीर मेरे ख्याल से, हाँ। और बस वो फॉर्म पे ये पूछा होता कि कहाँ ठहरने का इरादा है, तो आप कोई भी होटल जो आपके ठहरने का इरादा हो आप लिख सकते हैं, रिजर्वेशन नहीं मांग रहे होते। मैंने कहा ना यार, कोई लंबी चौड़ी चीज़ें ना, इतने स्कैन मांग रहे हैं ना, कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ज़बरदस्त है भाई, किर्गिस्तान ही चलो दिखाएंगे, वैसे ही कहीं का वीज़ा नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तानी होने के लिए, होने की वजह से। तो अब हुआ ये कि तकरीबन शायद 5वें दिन उनका रिस्पॉन्स आया कि आपका तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैं हैरान, अच्छा ऊपर से आगे दिल जलाने को गालिब, अच्छा दिल जलाने के लिए ये लिखा हुआ है कि हमारे कानून के हिसाब से आप 1 साल बाद ना रीअप्लाई कर सकती हैं। भाई भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर इतना बड़ा मेरा जो है 50,000 पता नहीं कितने एहसानात मुझ पर कर दिए, जब मैं अभी तुम्हें इस काबिल नहीं लगी वीज़ा देने के लिए, तो 1 साल बाद मैं क्या उड़ने वाली, उड़ती भी आऊँगी तो तुम दे दोगे वीज़ा। तो इन्होंने जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया तो मेरे सर पे से गुजर गया कि क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि जो चीज़ें मांगी थी पकड़ा तो दी थी, अब मैं क्या करती। और तो बिला वजह रिजेक्ट किया, फ़ीस इनके पास चली गई, वो नॉन रिफंडेबल ज़ाहिर होती है, पहले ही वो अग्री करवा लेते हैं उस पर, पहले ही आपके जो है ना कुर्बानी जो है। तो मुझे नहीं पता, मेरा तो रिजेक्ट हुआ, बहरहाल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इनके साथ, और मैंने दोबारा अप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि चूँकि 2018 में अप्लाई किया था तो 2019 में मैं दोबारा अप्लाई कर सकती थी, मगर मैंने नहीं किया डर के मारे। मैंने कहा यार आप पैसे फेंकते फिर क्या यार, आप किस किस चीज़ का बंदा फिर हिसाब वो करेगा, क्योंकि तो ये है कि इसलिए रिजेक्ट हो गया। और वजह बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई, सर पे से गुजर गई वजह, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।